मौसिकी का ताल्लुक है, लोग यही कहते हैं कि बनिए नौ इंसान की मुश्तरका जबान मौसिकी है। किसी ने कहा है कि मौसिकी बच्चों का खेल नहीं है, ये अपने अंदर के जज्बात का इजहार है, ये खून की गर्दिश को तेज करती है, दिल की धड़कन को बढ़ाती है। और यही गीत और नगमे जब आपके दिलों से हम आहंग होते हैं तो वो समा बनता है जिसके आप मुंतजर हैं। हमारे हर दिल अजीज फनकार जनाब ईसा खैलवी साहब अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे। कबल इसके मैं उनकी तारीफ में और कुछ नहीं कह सकता कि सदियों कबल मोमिन ने कहा था कि सुनाया रात को किस्सा हीर रांझे का, सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, तो पंजाबियों ने अहले दर्द को लूट लिया। और आज आप ये समा यहां पर देखेंगे। कबल इसके के वो आए, मैं मलिक अनोखा साहब जो कि टीवी स्टेज और फिल्मों के फनकार भी हैं और अपनी मजाहिया अदाकारी से एक दुनिया को महसूस कर चुके हैं स्टेज पर, वो अब आपके सामने तशरीफ लाएंगे। जनाब मलिक अनोखा साहब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अभी थोड़ी देर बाद हम बाकायदगी से अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपनी आमद का कुछ एहसास नहीं दिलवाया। जरा एक भरपूर तालियां बजाइए मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद ईसा खैलवी साहब और बाकायदगी से हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो अभी मैं हमारे मुल्क के फनकारों को बुलवाऊंगा, लेकिन ऐसे उनका रिसेप्शन मत कीजिएगा जैसे आपने मेरा किया। मैं तो बार बार आता रहूंगा आपके सामने और इसी तरह से अल्लाह की फजल से बेइज्जत होता रहूंगा आप लोगों के हाथ। लेकिन जो मेरे साथी फनकार हैं, चूंकि ईसा खैरवी साहब के साथ जो ये इनके साजिंदे हैं, इनकी मावनत के बगैर कोई प्रोग्राम हम अच्छा पेश नहीं कर सकते, तो जैसे मैं उनको बुलवाऊं आप अपने दोनों हाथों की जुम्बिश से यह साबित कीजिएगा कि उनका इस्तकबाल आप ऐसा कर रहे हैं कि वो सारी जिंदगी अबू धाबी को याद रखें। तो सबसे पहले मैं बुलवाऊंगा, कीबोर्ड प्लेयर हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़े फनकार हैं, पूरी दुनिया में अपना इनका नाम है, नुमाइंदगी की पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हर जगह जाते हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ आ रहे हैं अख्तर अली खान। और उनके साथ ही तबले पर बहुत बड़े फनकार ईसा खैलवी के साथ बहुत पुराने इनका साथ है, पूरी दुनिया में इनके साथ गए हैं, जाते रहते हैं, तशरीफ लाते आते आते सलामत अली खान। और ये नाल और ढोलक भी कहते हैं इसे, बड़ी महारत है इनको, बहुत बड़े फनकार हैं, आपकी तालियों की गुंज में आएंगे जावेद अली खान। तो मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं आप लोगों को पहले ईसा खैलवी साहब के आने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करूं, थोड़ा सा तैयार करूं, प्रिपेयर करूं आप लोगों को।
तो पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ, मेरे ख्याल में सेटल डाउन तो लोग होते रहेंगे, आप लोग तवज्जो थोड़ी सी मेरी तरफ दीजिए, लाइटें वाइटें भी जल रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं। तो आपकी खिदमत में मेरा एक म्यूजिकल खाका पेश कर रहा हूं, पहले कि बचपन में क्या गाता था, बड़ा होता है क्या गाता है, शादी होती क्या गाता है, शादी के चंद दिन गुजरने के बाद तक क्या गाता है, बच्चे होते हैं क्या गाता है, जब बिल्कुल बेकार हो जाता है तो फिर क्या गाता है। तो पेश खिदमत है, बचपन में गा रहा है, बचपन है गा रहा है, छोटा सा एक लड़का हूँ, छोटा सा एक लड़का हूँ, बड़े बड़े छोटा सा एक लड़का हूँ, काम करूंगा बड़े बड़े छोटा सा एक लड़का हूँ। बड़ा हुआ तो बड़े बड़े काम कर रहा है, अपनी छत पे खड़े होके बराबर की छत पे काम लगा रहा है और कह रहा है कि मस्त मलंग चक्की तई, मस्त मलंग चक्की तई, दादा दिल तंग चक्की तई, शादी हुई, पहली शादी है, बड़े खुश हैं और पहली शादी के मौके पर अक्सर अंगन लोग बहुत खुश होते हैं। कोई महीना डेढ़ महीने गुजरने के बाद तक, बस उसके बाद क्या होता है ये पुरानी शादी वाले जानते हैं भाई, सिर्फ डेढ़ दो महीने गुजरने के बाद तक कह रहे हैं बजा मेरे कोल तैनू तकदार, बच्चे हुए तो तबीयत अजीब सी हो गई और हो जाती है, मेरी भी बड़े अरसे से हुई भी अजीब सी तबीयत, और जब बिल्कुल बेकार हो गए, हर तरफ से नाउम्मीदी हो गई, हाथ कमर पे आ गए और अब कहते फिर रहे क्या, मेरे अरे मेरे मौला बुला,
خدمت میں ذرا تھوڑی سی خاموشی تو آپ لوگ کر لیں, سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں, بیٹھ چکے ہیں, آرام سے سیٹیں مل گئیں آپ لوگوں کو. اب کیا پسوڑی ہے کی گل کی ہے؟ نہیں کوئی گل نہیں. اب آپ کی خدمت میں وہ شاہکار آ رہا ہے جس کا آپ کو ہے انتظار. میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے, مؤدبانہ ایک عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جیسے میں اس بڑے فنکار کا آپ کے سامنے نام لوں, میری درخواست پر پلیز اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیجئے گا, بڑی مہربانی ہوگی. تو اب آپ کی تالیوں کی گونج میں پاکستان کا ہمارے جذبات کو ابھارنے والا, ہمارے جذبات کی غمادی کرنے والا بہت بڑا فنکار پوری دنیا میں نام تشریف لا رہے ہیں, عطا اللہ عرفان خانوی. آماز کرتا ہے, میں احسان مند ہوں پاکستان سینٹر والوں کا کہ انہوں نے مجھے آپ کے درمیان حاضر ہونے کا موقع دیا. میرے ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, ان پر تبلے پر ہیں سلامت علی, جاوید, ڈرمز
कीबोर्ड पे हमारे बहुत ही मोहतरम साथी जनाब अख्तर खान साहब। आपकी नजर करूंगा, इसके बाद आप जैसे चाहेंगे। Thank you.
Thank you.
चढ़ाया
मुझको दूल्हा बनाए।
रख लिखे रोग मार देते हैं, इश्क के शोक मार लेते हैं। अरे आप खुद तो नहीं मरता कोई, दूसरे लोग मार देते हैं। सब ही लगाए हैं।
किसे दनी कोई इत्थे यार सर दित्ते झूठियां मुहब्बतां ते प्यार सर दित्ते ने किसे दनी कोई इत्थे यार I'm not afraid of the dark.
बजाने के लिए इनको पिशावर में बुलवा लिया। अब गजल में और पिशावर में थोड़ा सा फासला है। मुन्नी बेगम ने गजल गाई दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं छठी सातवीं। जब मुन्नी बेगम 40वीं गजल पे पहुंची तो पब्लिक में से एक साहब कलाशनकोफ लेके स्टेज पे आ गए। ये डरने लगी, उसने कहा तुम नहीं डरो, तुम हमारा बेड़े है, तुम हमारा मेहमान है, तुम 20 साल का है मैं तेरे को सुनेगा, मैं तो उसको ढूंढता है जो तुमको लेके आया। एक साहब ने 3 शादियां कर ली, 4 की इजाजत है भाई। और मैं तो कहता हूं कि आदमी इतनी शादियां करे, इतनी करे जिस महल्ले में जाए अपने घर जाए। 3 शादियां कर ली, बड़ी बेगम का नाम मोटी, उससे छोटी का नाम पतली, और उससे छोटी का नाम छोटी। देखिए जरा सी खामोशी कर लीजिए, वो उनको जरा थोड़ा सा आराम करने दे, मैं अभी 2-4-5 मिनट के बाद उनके फिर बुलवा लूंगा। तो आपकी खिदमत में ये लतीफा सुन लीजिए। बड़ी बेगम का नाम मोटी, उससे छोटी का नाम पतली, और उससे छोटी का नाम छोटी। एक दिन साहब बड़े गुस्से में आए, अपने घर में दाखिल हुए, बड़ी बेगम पे निगाह पड़ी, बुलाया, कहा मोटी इधर, इतनी देर से बकवास सुन ली थी। उधर से आवाज आई, हाय हाय क्या है, ओए इधर आ, तो तू ही आ जाना, ओए इधर आ, कोई सवारी तो भेज। बड़े गुस्से में थे, खुद ही आगे जाकर कहने लगे, मैंने तुझे तल्ला 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 और कुछ नहीं दे रहा है। चली गई, बाकी रह गई 2। बड़ी खुश तीन दफा हो गई मोटी भैंस, दूसरी को बुलाया, पतली ओ पतली, उधर से आवाज आई कि इधर आ, कैसे आऊं, हवा तो इधर की चल रही है। अब इधर आ, करी भाई जी, मैंने तुझे तल्लाक तल्लाक तल्लाक, कहने मुझे पहले ही पता था। बाकी रह गई छोटी, कहने मैदान साफ, बुलाया, कहने छोटी ओ छोटी, मैं यहां। बड़े गुस्से में थे, फेंक के मारी तल्लाक, कहने मैंने तुझे तल्लाक तल्लाक तल्लाक। इनके घर के बिल्कुल बराबर में एक बड़ी भी रहती थी, बुढ़िया आ गई, कहने लगी हाँ तेरा बेड़ा करके तेरा, वे तेरा सत्या ना जावे, तेरा तेनू आवे किसे दी आई, तेनू शर्म नहीं आई, पहले तो होलसेल तिना ला कर ली शादी, तेनू कठी तलाक। कहने बड़ी भी चुप हो जा, अगर मुझे इजाजत होती मैं तुझे भी तलाक दे देता। तो बड़ी भी के घर से आवाज आई, और दे 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 इजाजत दे। एक खान साहब के घर में चोर आ गया, बात समझने वाली है माजत के साथ। एक खान साहब के घर में चोर आया, खटके पे इनकी आंख खुली, खान साहब ने आंख खुल के आवाज दी, कहले कौन है, उधर से आवाज आई, पठान पठान करो करो भले करो, हमारे भाई है परवाह नहीं, हमारा बिरादरी वाले परवाह नहीं करो। दूसरे दिन फिर आ गया, इन्होंने फिर आवाज दी, कौन है, उधर से आवाज आई, पठान पठान करो करो, हमारा भाई है मुल्की है परवाह नहीं। तीसरे दिन फिर आ गया, इन्होंने 3-4 आवाजें दी, कोई आवाज नहीं आई। इन्होंने जाकर उसे पकड़ा, उसके पैर बांधे और थाने चले गए। थानेदार से जाकर कहने लगे कि सलाम अलैकुम थानेदार, पहले दिन मेरे घर में चोर आया, मेरे को बोला मैं पठान, मैं बोला मेरा भाई मेरा खून है परवाह नहीं, अभी वो रोज रोज आता ही तो अच्छा, कहले वो है कहाँ, वो उसका तो मैं पैर बड़ा मजबूती से बांधे, वो मेरे घर में बैठे, कहने लगे उसके हाथ खुले छोड़ दिए, वो तो भाग जाएगा। तो इनके दिमाग में आई, कहने ठहरो ठहरो, असली हुआ है कथा नहीं भागेगा, नकली हुआ है तो भाग जाएगा। कहने लगे कैसे, कि जो भी बात मेरे मगज में नहीं आया उसके मगज में कैसा आ सकता। जाकर देखा तो बैठा हुआ था, कहने असली है यार छोड़ो हमारा भाई। जरा अख्तर साहब और सलामत साहब को मैं जरा सहमत दूंगा। अख्तर ये कीबोर्ड बजा रहे हैं, अख्तर साहब ये अख्तर साहब जो है अभी देख रहे थे, अब कीबोर्ड बजा रहे हैं। मैंने इनसे एक दिन पूछा, मैं कि अख्तर साहब आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी जब कभी आंधी तूफान या बारिश या ओस पड़ती होगी। कह लगे नहीं यार मैंने कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा नहीं फिर भी, कह लगे नहीं यार तकलीफ मुझे उस वक्त होती है जब मैं वुजू करता हूं, ईमान साहब उन्हें पता ही लगता मुंह कितों तक धोना। एक पंजाबी का लतीफा पेश कर रहा हूं। एक साहब के यहां मेहमान आ गया, मेहमान बीवी का भी रिश्तेदार, मियां का भी रिश्तेदार। तो मेहमान आया, मियां बीवी के हालात बहुत अच्छे थे, दालें खिलाना शुरू कर दिया, आज मूंगी दी पका लो, मसूर दी पका लो, फलानी 7 दालों का पूरा कोरस करा दिया। 8वें रोज
दोनों मियां बीवी मेहमान के पास बने, पाजी आज तुसी दसो की पकाइए। मेहमान ने कहा यार जो कुछ पक रहे ठीक है। कह लगे नहीं भाई जान तुसी दसो की पकाइए। मेहमान ने तंग आके कहा कि भाई जी अगर पकाना जे तो कोई एहो जी चीज पकाओ जेडी अंदर जाके सारिया दाला चुग लवे। समझेंगे बहुत मजा आएगा। एक लतीफा है ये समझ लेगा, थोड़ा सा जेहन पर जोर दीजिएगा। एक साहब है लाहौर के रहने वाले लाहौर के, सऊदी अरबिया में इनकी जॉब हो गई, मदीना शरीफ में जॉब हो गई। तो पहला खत अपने वालिद को लिख रहे हैं, कह ले अस्सलाम वालेकुम, बखिदमत जनाब अब्बा हुजूर, यहाँ पर खरियत और आपकी खरियत नेक चाहता हूँ। दीगर अहवाल यह है कि बस यहाँ का क्या अर्ज करूँ, हर तरफ नूर ही नूर है, नूर अनवार की बारिश है, बस मैं क्या बताऊं, मेरी तबीयत कुछ खराब शराब रहती है, आप ऐसा करना दाता दरबार जाकर मेरे लिए दुआ करना। बजा दो तालियां, बजा दो यार, मिलके बजा दो। अख्तर खान को और ये तबले वाले को बुला ले, सलामत अली और अख्तर अली खान। आजकल कराची में क्या, लाहौर में क्या, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, बल्कि इंडिया की मूवी ऐसे चल रही है जैसे मन्नत की मूवी है। बच्चा बीमार हो जाए तो कहेंगे अमिताभ जी दिखा दे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। और हमारे यहाँ लीड का सिस्टम बड़ा चला हुआ है, लीड कि अपने घर में आप किसी किस्म की कोई फिल्म है, शादी की, ब्याह की, सालगिरह की, तो पड़ोसियों को बड़ी तशवीश होती है, अल्लाह जाने क्या देख रहे हैं। लड़के ने फिल्म लगाई, बराबर के घर से लीड गिरी, लड़के ने कहा अम्मा ये फिल्म तुम्हारे देखने की नहीं है। कहले कैसी बातें कर रहे हो, दोपहर को हमारे घर से तो गई है। तो मैंने भी एक इंडिया की फिल्म देखी, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें एक गाना अपने ऊपर पिक्चराइज करवाया जीनत अमान ने, बड़े खूबसूरत स्टाइल से, बड़े अच्छे अंदाज से। सलामत को और इनको भी बुला लीजिए, बड़ी मेहरबानी भैया, इनके लिए जरा क्लैप तो करें। वो जी गाना पिक्चराइज करवाया, अगर वही गाना हम पाकिस्तान की किसी पंजाबी फिल्मों के हीरोइन पर पिक्चराइज कर दे वो गाना, तो उसका स्टाइल क्या होगा। पहले जीनत अमान, जरा उनको बुलवा लीजिए, जीनत अमान को बुलाने वाले हैं। सलामत भाई और जावेद भाई जरा आ जाए। अच्छा जब तक वो आ रहे हैं, लाहौर में एक त्यौहार आता है बसंत का, हर खासो आम पतंगे उड़ाते हैं, कुछ लोग हैं जो खरीद कर उड़ाते हैं, कुछ लोग हैं जो लूट कर उड़ाते हैं। तो पहले खरीद कर उड़ाने वाले का स्टाइल, उसके बाद जो लूट कर उड़ाते हैं उसका स्टाइल। तो जो खरीद कर उड़ाते हैं उसका स्टाइल, चलो चलो कन्नी दे और तू आता है, तू तो मेरी जान पे और दौर छाता है, वो पैसा पे लाता है भाई की पिया खाने, वो छाता है पतंग कट गई कोई बात नहीं, जो लूट कर उड़ाते हैं। भाई एक कन्नी तो दे रही यार, दे रहे एक मोहतरमा गुजर रही थी, चाची तरह कन्नी दे रहे, बार किसी ने तरफ खा के कन्नी दे दी, कह या अल्लाह पार्टी ना जाए, या अल्लाह पार्टी ना जाए, और ठहरे गेठ बन है पहचाना पाई है, दूसरी गेठ भी है, ओए अट गई पतंग कहीं अटक गई, छिड़ा दे मेरी बहनी की। यार सलामत भाई को और उनको भेज दे जरा, कहां गए वो लोग, भेज दे जरा। बड़े अफसोस की बात है, बस के बाद उनको बुलाने वाला हूँ, जरा सलामत भाई तो आ जाए। बड़े अच्छे स्टाइल से, अगर वही गाना हम पाकिस्तान की किसी
पंजाबी फिल्मों के हीरोइन पर पिक्चराइज करें वो गाना, तो उसका स्टाइल क्या होगा? तो पहले जी ना जमा। अरे हाय हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, और ये हमारे यहाँ डिंग डिंग नहीं, सिर्फ डंग डंग ही, अल्लाह का शुक्र है। चलो ये गाना अंजुमन पर पिक्चराइज करते हैं, अल्लाह मालिक देखी जाए। अगर ये गाना उन पर पिक्चराइज होता तो वो कहती अरे हाय हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये जोरदार तालियों में बुलवाइएगा, अपनी गूंजदार तालियों में बुलवाइएगा, तशरीफ लाते अताउल्लाह ईसा खलवी।
हम सब कुछ अपना हार दे बर्बाद हुए और तू न मिला। हम सब कुछ अपना हार दे बर्बाद हुए और तू न मिला। बहुत से सुनने वालों का फरमाइश भी है कि मेरा बेटा सांवल जो इस वक्त मेरे साथ है वो आपको गाना सुनाए। बच्चा है, अगर उससे कोई कमी रह जाए तो नजरअंदाज कीजिएगा और दाद देने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। सांवल कहते हैं ना कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब की तरह इन्हें भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। आप लोग इन्हें सुनिएगा, बच्चा है, मासूम है और मेरे ख्याल में मेरी नजर में बहुत ही अच्छा गाता है। जरा बहुत बड़ी क्लास कीजिए इनके लिए। Oh,
प्लीज। समझ के बेड़ा
Oh,
Nigoria, 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 Nigoria,
तू पहला Thank you.